ये स्टार्ट कर लें। ऑनलाइन स्टोर से मेरी बात कर रहे हैं। ये मेरा मेरा ख्याल तो बुक्स डिस्पैच हुए काफी दिन हो गए, मैं चेक करता हूँ। मंडे होनी कौन सी एमएफए? ये मैं पता करके बताता हूँ, ये मुझे अभी दोपहर में याद है। ये एक नजर देखते जो कल पढ़ते ये कल पढ़ते थे, कहीं एक नजर देखे पढ़ना कोई नहीं, बात है आप लोग उन्हें एडवाइस करें। ये फॉर्मूला देख रहे हैं सर, कल से रिलेटेड कोई सवाल? कौन कौन से फॉर्मूलास पढ़े थे नाम ही बता दो। डिस्काउंटिंग में भी दोनों हो गए, वन प्लस आई माइनस एन वाला भी और एन्यूटी वाला, वन माइनस वन प्लस आई माइनस एन डिवाइड बाय आई। नजर जरा रजिस्टर खोल लीजिए, ये एंड वाली एग्जांपल्स हो गई थी पहले, ये जो कल क्लास पेन में कर रहा था। फर्स्ट एग्जांपल में डिसीजन क्या था, क्या ऑफर एक्सेप्ट कर किसके एंगल से? नहीं नहीं किसके एंगल से यार, बोरोअर या लेंडर? लेंडर के एंगल से बात हुई है, लेंडर को ज्यादा मिल रहा है। अब दूसरे में भी लेंडर के एंगल से बात हुई है, उस बॉन्ड में भी लेंडर को ज्यादा मिल रहा है अपने 7% से, तो लेंडर के एंगल से डिसीजन। दस हजार एक कंडीट सेकंड जरा बोर्ड पे देखिएगा, फर्स्ट करें ये अभी बाद में नोट कीजिएगा, पहले वॉच देख लो। अगर किसी प्रोजेक्ट में आप आज 100 मिलियन लगाए, ये जीरो का मतलब अभी पहला साल नहीं, आज अभी आज अगर किसी प्रोजेक्ट में सपोज 100 मिलियन पैसे लगाए, ब्रैकेट क्यों लगाइए, कैश आउटफ्लो, तो सपोज ये प्रोजेक्ट हमें साल बाद 110 इनफ्लो जनरेट करते हैं, इसे पॉजिटिव क्यों रखा मैंने 110 का? आज अगर किसी प्रोजेक्ट में 100 मिलियन लगाए तो एक साल बाद, ईयर वन मींस एक साल बाद हमें 110 मिलियन इस प्रोजेक्ट से टोटल मिल जाएगा, प्रिंसिपल रिकवर हो जाएगा लेकिन प्लस कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। बताएं प्रोजेक्ट शुरू कर लो, चेक कर तो लिए। अच्छा ये प्रोजेक्ट मैंने शुरू कर लिया है या अभी डिसीजन ले रहा हूँ? मैंने प्रोजेक्ट शुरू कर लिया है, अब मैं सोच रहा हूँ मैं करूँ ना करूँ,
आज अगर किसी प्रोडक्ट में सपोज 100 मिलियन लगाए, ये एक्सपेक्टेड है कि एक साल बाद 110 मिलियन रिकवर हो जाएगा, क्या कुछ बचता है? बच तो रहा है, लेकिन क्या ये फिगर्स एज इट इज कंपेरेबल है? पहले इन्हें क्या करना चाहिए? कंपेरेबल बनाना चाहिए। 100 मिलियन आज है, 110 मिलियन साल बाद है, तो क्या पहले इन्हें कंपेरेबल बनाया जाए या क्या किया जाए? या क्या किया जाए, या 100 को एक साल बाद लेके जाया जाए, या 110 को आज लेके आया जाए? तो नॉर्मल प्रैक्टिस कल मैंने क्या कहा था, तो इसकी तरह एक प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें। लेट्स अज्यूम रेट 10%, कैसे करें? एन्युटी लगाएंगे। व्हाई डिस्काउंटिंग? तो 1 + 0.1 - 1 आंसर आया 100। क्या है ये 100? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। पहला ऊपर वाला 100 नेगेटिव क्या था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू आज की वैल्यू थी, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। अब ये फिगर्स आपस में कंपेरेबल है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो में से अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो लेस कर दूं तो मेरा आंसर क्या है? जीरो। ये जीरो कैसे आया? किस में से क्या निकाल के आया? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, आंसर इज जीरो। दिस आंसर इज कॉल्ड एज नेट प्रेजेंट वैल्यू। एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू की एब्रीवेशन है एनपीवी। एनपीवी कैसे आती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, आंसर आ रहा है जीरो। क्या ये प्रोजेक्ट हमें कुछ कमा के दे रहा है? ऊपर देखें 100, आगे देखें 110। क्या ये प्रोजेक्ट हमें कुछ कमा के दे रहा है? 100, 110। क्या ये प्रोजेक्ट हमें कुछ कमा के दे रहा है? सौ लगा रहे हैं, 110 मिल रहा है, क्या कुछ कमा के दे रहा है? कमा के दे तो रहा, लेकिन नहीं कमा रहा। उधर से देख के लगता है कमा के देना, नहीं इधर देखा जीरो। चलिए इसको छोड़ें, ये तो अजीब सी बात होगी। कंसंट्रेशन रखिएगा जरा, एक सेकंड प्रोजेक्ट देख। नेक्स्ट दिन एक प्रोजेक्ट ये है कि अगर आज 100 मिलियन लगाया जाए तो एक साल बाद 120 हो जाए। अब मैंने इनफ्लो आउटफ्लो नहीं लिखा, होपफुली मेरे फिगर से अब आपको पता चल रहा है। व्हाट इज आउटफ्लो, व्हाट इज इनफ्लो? 120। कर ली छोटे प्रोडक्ट Once again, comparable नहीं, पहले issue comparable नहीं, rate तो बाद की बहस है। rate चाहिए क्यों? comparable करने के लिए। comparable नहीं, आज का 100 साल बाद का 120, क्या करें? हम practice, normal practice के आज लेके हैं। Let's assume 10% rate, 109.120, 1 + 0.1 - 1 आंसर है 109। पे अगर आप बात खत्म करते हैं, एक मिनट, पॉजिटिव लिखो नेगेटिव लिखो? इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है, इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू। क्या ये फिगर्स कंपेरेबल है? आंसर बताएं क्या है? पॉजिटिव 9 अगर मैं कहूँ तो मेरी बात ठीक है? वाई पॉजिटिव ज्यादा, पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव कम, इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो कम। ये है एनपीवी। एनपीवी किसे कहते हैं? नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोस एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस। तो ये होगी एनपीवी।
क्या ये प्रोजेक्ट कुछ कमा के दे रहा है? क्या ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दे? ये हमारी फिगर्स भी कहती है, बाकी भाई ने भी बात सही है, कर दे अल्लाह मालिक, लग रहा है इंशाल्लाह, कहना पड़ेगा इंशाल्लाह, हो गया ही हो जाएगा ये इंशाल्लाह। क्या ये भी हो सकता है? होने को कुछ भी हो सकता है, हमारी वर्किंग फिलहाल ये है, हमें ये लग रहा है, हमें किसी अकाउंटेंट ने ये कहा। जी सर, प्रोजेक्ट नंबर थ्री। एक प्रोजेक्ट ये कि सपोज अगर आज 100 मिलियन लगाया जाए तो साल बाद 108 वापिस आएगा, क्या ये प्रोजेक्ट कुछ कमा के दे रहा है? नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन एक सेकंड जरा, कंपेरेबल नहीं है, कुछ कमा रहा है वैसे? यार ये भी कहना मेरे ख्याल मुनासिब नहीं कि कुछ नहीं कमा रहा, कुछ तो एक्स्ट्रा है यार। हाँ वो साल बाद है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा है। नहीं ठीक है, कंपेरेबल नहीं है, मैं नहीं कह रहा यार इट इज कंपेरेबल, लेकिन क्या कुछ इजाफा है? इजाफा है लेकिन कंपेरेबल नहीं है। हाँ इसे कंपेरेबल बनाए, इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू लें 1%, अप्रोक्सीमेटली 98 समथिंग बनता है, पॉजिटिव नेगेटिव 98 पॉइंट क्या बनता है 180, ये मैं राउंड ऑफ कर दिया 98, मैंने कहा जरा ज्यादा अगर 0.5 से आगे जा रहा था 99 कर देता हूँ, 98, व्हाट इज 98? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, 100 इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, नेट ऑफ मैंने किया तो मेरा आंसर आ गया -2, व्हाट इज दिस 2? नेट प्रेजेंट वैल्यू -2, आउटफ्लो ज्यादा है, नेगेटिव एनपीवी। ठीक है, मैंने आपके सामने तीन पॉसिबिलिटीज रखी हैं, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, वापिस आए 0। प्रेजेंट वैल्यू से पहले ऊपर वाली फिगर देखो, क्या ये प्रोजेक्ट कुछ कमा रहा है? 0 कमा रहा है। क्या ये प्रोजेक्ट एग्जैक्टली 10% तो नहीं कमा रहा? कैलकुलेटर पे लिखे 100, इसको करें कंपाउंड, कंपाउंडिंग का फार्मूला 1+0.1 +1, आज का 100 साल बाद 110 हो रहा है, अगर 10% रेट है, क्या ये प्रोजेक्ट कुछ कमा रहा है? 0 कमा रहा है। क्या ये 0 ये बता रहा है कि ये प्रोजेक्ट एग्जैक्टली 10% कमा रहा है? और जाने दे, 0 कमा ले, 0 बता रहा है, 0 ये बता रहा है कुछ नहीं कमा रहे, ये 0 ये बता रहा है, 0 से धोखा ना खाए, ये 0 ये बता रहा है कि दिस प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग 0%। फॉर एग्जाम्पल ये फिगर, इस 120 की प्रेजेंट वैल्यू लें 20% से, जाने दें यार, तो करेंगे तो पता चलेगा जादू कर रहा है, सकन जादू सिखा रहा हूँ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कैलकुलेट कर लें यार, इतनी मुश्किल से मैंने फिगर बनाई। ये मैंने क्या किया, मैंने किया क्या किसी के पास? मैंने रेट चेंज किया, मैंने कितने परसेंट रेट किए, मेरा आंसर क्या है 100, मेरी एनपीवी क्या आई है 0, मेरी एनपीवी अच्छी भरी जब मैंने ये फिगर्स लिखी थी 100 120, मैंने जब 100 और 120 पहले लिखा था तो पहले आपका आंसर 9 पॉजिटिव आ रहा था, अब 0 हो गए, अब 0 हो गए, ये 0 हो गए, 0 हो गए, ये क्यों 0 हो गए, ये क्यों 0 हो गए? क्या दिस प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग नथिंग? दिस प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग 20%,
जीरो है, तो एनपीए भाई अगर जीरो, जिस रेट पे एनपीपी जीरो, क्या वो प्रोजेक्ट उतने परसेंट कमा रहा होता है? फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट 100 लगाए तो ईयर वन पे 105 होता, इसके जरा एनपीवी कैलकुलेट करें 5% से 100 ही आएगा, वही आना चाहिए, वही आना चाहिए, वही आएगा, कोई एक कर लेगा, वही आएगा। जीरो 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 मीन्स क्या है? एनपीवी जीरो, एनपीवी जीरो, एनपीवी जीरो क्या बता रही है? प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग नथिंग, नहीं, प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग एग्जैक्टली इक्वल टू द रेट जो आप डिस्काउंटेड यूज कर रहे हैं। तीन एग्जांपल हो गई है प्लीज। सिनेरियो वन, इधर वाला लेफ्ट जीरो, व्हाट इज द जीरो? प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग 10%। दूसरा उधर, प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग एग्जैक्टली 20%, जीरो। तीसरा जीरो, प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग 5%। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप कभी प्रेजेंट वैल्यूज लें और एनपीवी निकाल लें, जिस रेट से एनपीवी जीरो आ जाए, जिस रेट से एनपीवी जीरो आ जाए वो उस प्रोजेक्ट का रेट होगा। जिस एनपीवी से, जिस रेट से एनपीवी जीरो आ जाए वो उस प्रोजेक्ट का एग्जैक्ट रेट, एग्जैक्ट भी लगा देता नहीं बात बनी। व्हाट इज द रेट ऑफ दिस प्रोजेक्ट? जीरो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस जीरो? प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग 10%। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस जीरो? प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग 20%। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस जीरो? प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग 5%। तो जीरो मींस प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग एग्जैक्टली द रेट जो हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज किया। लेकिन अगर किसी रेट से आप वर्किंग करें और आंसर पॉजिटिव आ जाए तो दिस प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग मोर देन 10%। अगर आंसर पॉजिटिव हो जाए तो इज दिस प्रोजेक्ट जनरेटिंग मोर देन 10%? अगर 20% आपने यूज किया है और आंसर पॉजिटिव आ रहा है, प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग मोर देन 20%। और अगर 20% हमने यूज किया, आंसर जीरो आ गया, प्रोजेक्ट इज यूजिंग एग्जैक्टली इक्वल टू 20%। और अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है, दिस प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग समथिंग, 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 समथिंग तो है लेकिन लेस देन 10% है, दिस प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग 8%। 8% कैलकुलेट करें, 8% है, 8% प्रेजेंट वैल्यू जानते हो, 100 और 108 को देख के भाई पापी भी 8% ही बनता है, जानते हो। इसी के अगर हम प्रेजेंट वैल्यू लें, इस डेटा के अगर प्रेजेंट वैल्यू अपने 100 और 108 की, अगर आप 8% से प्रेजेंट वैल्यू लें 108, अब फिर ये असल में मसला है, फिर आप कहेंगे 100 ही आएगा, ये एनपीवी क्या बता रही है? प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग 8%, लेकिन जब मैंने 10% प्रेजेंट वैल्यू ली तो आंसर नेगेटिव क्या बता रहा है? दिस प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग लेस देन 10%। इसको देख के अभी हम नहीं कह सकते एज इट इज, ये तो मैंने सिंपल सी फिगर्स दिखी है कि एग्जैक्टली 8 है, यहाँ ठीक है 8 है, लेकिन ये नेगेटिव ये बता रहा है कि दिस प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग लेस देन 10%। फिर एग्जैक्टली कितना कमा रहा है वो भी वर्किंग हो सकती है। तो अगर कभी आपकी एनपीवी की वर्किंग करें, एनपीवी की वर्किंग का मतलब इनफ्लोज और आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू को आपस में कंपेयर करें, आंसर अगर एग्जैक्टली जीरो आ जाए उसका मतलब होगा प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग इक्वल टू द रेट जो आपने यूज किया। अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए तो जो आपने रेट यूज किया है प्रोजेक्ट उससे ज्यादा कमा रहा है, उससे ज्यादा कमा रहा है। और अगर नेगेटिव आंसर आ जाए तो प्रोजेक्ट उस रेट से कम कमा रहा। तो आइए जरा एक एक सेंटेंस जरा बोल दे जो आपने कहा है, मतलब जीरो के नीचे लिखा है कि दिस प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग
This project is generating 10%. Scenario 2 में क्या लिखवाएंगे अगर पॉजिटिव है? This project is generating more than 10%. भाईजान और के चक्कर में ना पड़े, ये नेगेटिव क्या बता रहा है? सॉरी खत्म हो गया मेरे नेगेटिव। दिस प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग लेस देन 10%। बड़ी ज्यादती की है बजटिंग के साथ। नया टॉपिक तो हो गया, 8-10 बंदे और इकट्ठे हो गए। बजटिंग के ऑप्शन थी हुजूर, जाया किया यार। अच्छा वाला इंटरेस्टिंग काम था, तो फिर शुरू होना मुश्किल जाया किया। ठीक ठाक दिमाग खुला जिन्होंने कोशिश की, लेकिन बंद ही हमारा था ना करें सर। ये ऑप्शन शुरू में एकदम ऐसी हरकतें शुरू हो जाती है कि बेड़ा गर्क हो जाता है सिलेबस का। ये देखें, 3 सिनेरियोस बना रहा। ये बड़ा सॉरी इसके लिए, मैं चेक करता हूँ। मेरा तो ख्याल था कि एक हफ्ता हो गया बुक्स डिस्पैच हुए, मैं चेक करता हूँ। ये एक एक करके बना लीजिएगा, जब ये लिख लेंगे मैं नीचे के तरफ। ईयर जीरो जेन में रखना, ये जीरो के आज नो स्टार्ट, आज बस। ईयर वन के एक साल बाद, ईयर फाइव के 5 साल बाद। ईयर टू का मतलब, ईयर टू का स्टार्ट का मतलब, ईयर टू का स्टार्ट का मतलब ईयर वन कह सकते हैं। ईयर टू का स्टार्ट ईयर वन का, ईयर वन क्लोजिंग ओपनिंग, ओपनिंग क्लोजिंग। ईयर फाइव का स्टार्ट ईयर फोर का, पिछले साल का एंड ईयर जीरो, पिछले साल का एंड आज। ईयर वन का स्टार्ट ईयर जीरो, ईयर जीरो किया होगा आप लोगों ने। यार एनपीपी सुना है बड़ा आप लोगों का, जैसे मैंने एनपीपी की बात करने का, अच्छा अच्छा ये तो आती है। क्या किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का डिसीजन एनपीवी पॉजिटिव हो तो लेना चाहिए, एनपीवी जीरो हो तो लेना चाहिए, या एनपीवी अगर नेगेटिव हो तो लेना चाहिए? हाँ ये बात ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव है, असल में जो मैं रेट यूज कर रहा हूं, ये जो मैंने 10% वगैरह आपको बताया, चले आप मेरे ख्याल लिखना, फिर एक दफा इकट्ठी बात कर लो बस। ये सेकंड पे आ रहा हूँ, पहला बना लिया ना, वैसे तो डाटा सिमिलर ही है, दूसरे रहने दे मेरे ख्याल।
जो बाकी मैंने बनाया था थोड़े से सिनेरियोस, वो तो वन को एक्सप्लेन करने के लिए था। वो एक भाई कल आपके साथ शाम को आया था, वो फिर MBA घर पढ़ रहा। नहीं वो रोज ही आता है वैसे तो, लेकिन काफी दिनों से नहीं आया। आपको शायद बताता है कि रोज ही आता है, लेकिन मेरे सामने वो कई दिनों से नहीं आया। कहीं और आता होगा, उसको भी झूठ नहीं बोल रहा। बड़ा मुश्किल है सर आप लोगों के लिए। मैचेस आ गए हैं सर, वो तो चल ही रहा था, एक नई चीज आ गई। एक भाई ने पूछा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के बारे में आपका क्या रिव्यू है। इंशाल्लाह बारिश होगी सर। अच्छा नहीं ये मैंने अखबार में पढ़ा है, ठीक ठाक प्रोडिक्शन है कर सुबह दोपहर शाम, तो इंशाल्लाह बारिश जरूर होगी, हम भी कह सकें वो भी कह सकें। बेहतर है कि ये ऑप्शन बुरी नहीं है, वरना परसों ज्यादा फजूल में टाइम वेस्ट हो, ये हो जाता ना अगर लग जाती ना। बेटा ये जो रिव्यूज है ना, सारी जिंदगी हमने बल्ला पकड़ा नहीं, और हर बंदा एक्सपर्ट है इसका, ये सबसे बड़ा मसला है। हर बंदा सियासतदान है, हर बंदा हर चीज एक्सपर्ट है, मईशत भी उसे आती है, मतलब हर बंदा हर चीज के बारे में अपनी राय रखता है, और वो ये कहता है मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। दूसरा मसला ये भी है, जो मैं कह गया हूं ना लोग समझ नहीं पा रहे, सब कुछ है, सब कुछ, हम सब कुछ है। मैं आज तक कभी क्रिकेट ग्राउंड मैंने नहीं देखी, लेकिन मेरे रिव्यूज हैं सारे। आपके भी होंगे, इस मीडिया ने हमें यही तो दिखाया, हर एक अपना ओपिनियन होना चाहिए, क्या है पता हो ना, मुझे हर इंफॉर्मेशन चाहिए चाहे मुझे उसकी जरूरत है या नहीं, और देर पर मेरे पास टाइम नहीं है। जो चीजें मेरे से रेलिवेंट है वो तो रहने दो, जैसे हम अक्सर क्वेश्चन में भी होता है सर अगर ये हो जाए, जो हो रहा है वो तो रहने दो, मतलब ओवरऑल शायद एक माइंडसेट बन गया। शायद रेलिवेंट और इरेलिवेंट का डिसीजन यहाँ भी जरूरी है। कभी वैसे ही मतलब इत्तेफाक हो तो शाम को नींद आने से चंद 5 मिनट पहले जरा एवेल्युएट कीजिएगा जिंदगी में, जो जो आज के दिन में जो जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली, अगर वो ना मिलती तो क्या आपका फिर भी दिन गुजर सकता था। मेरा ख्याल है कि शायद एक भी शायद रेलिवेंट, एक भी रेलिवेंट लकड़ी एक आध हो तो मुश्किल से ढूंढनी पड़ेगी, रेलिवेंट या इरेलिवेंट, डिसीजन मेकिंग सही रेलिवेंट या इरेलिवेंट। लगता है ऐसे ही, जैसे मैं इस वक्त दुनिया की सारी न्यूज़ में आते हैं, अगले दिन आपको नहीं पता क्या देखा था, एक नई गेम। मेरा ख्याल है शायद ही कोई बंद करके मोबाइल सोता हो, ये गिरता होगा। नहीं मैंने परसों देखा, अच्छा मैंने खुद बंद किया, मैं रात में यहाँ खुल तो मैं ठीक ठाक डिस्टर्ब हो रहा था, ये हो क्या रहा है, ये साफ सो रहे थे वो ऑन था। मेरा ख्याल है ये नॉर्मल सिचुएशन है, थक जाता है इंसान, मोबाइल तो जाता हो। सॉरी सर ऐसे आपको तंग कर रहा हूँ, पुराने जमाने का बंदा और डेटेड आते हैं बुक पे आ रहे सर। जी राणा साहब ने सही बात की, मुजम्मिल राणा साहब, लेक्चर के बगैर नींद ही नहीं आती, इसलिए मुजम्मिल साहब को सोए हुए महीना हो गया, क्योंकि मैंने भी उनका नाम हालांकि पहले पढ़ा, मुझे मुजम्मिल साहब असल में ये बता रहे हैं कि सोए हुए कितना अरसा हो गया ये बताना चाह रहे हैं। हाँ सर जी कुछ प्रैक्टिस शुरू करें सर, हमारा पेज नंबर क्या होगा जी, 20 बुक का तो पेज नंबर बताया, पेज नंबर 12 सर। बाला सर जी वी हैव टू समटाइम्स चूज क्या चीज रेलेवेंट है क्या नहीं।
टाइम लिमिटेड है सर, वही 24 घंटे, जिसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। डिसाइड हमने करना है कि क्या प्रायोरिटी नंबर एक है, क्या प्रायोरिटी नंबर दो है। कुछ हो रहा है वो तो सबके सामने है, लेकिन शायद कुछ सोचने की जरूरत है। जी सर, एक मैंने आपके सामने बड़ी एक छोटी सी एग्जाम्पल रखी, आइए जरा इसको थोड़ा सा क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। लिखा हुआ है एनपीवी अप्रेजल। अप्रेजल का सिंपली मतलब ये होता है कि अगर आपके सामने लफ्ज बोला जाए इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मींस कि क्या ये इन्वेस्टमेंट की जाए या नहीं, डिसीजन लेना, अप्रेज क्या मैं ये करूं या नहीं। मतलब इस मैं सोचा इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले रहे हैं, मैं सेलेक्ट करूंगी ऑप्शन या नहीं। ऑफर कर चलो, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कर लिया है या करने के लिए वर्किंग कर रहे हैं, पहले वर्किंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या मैं इन्वेस्टमेंट करूं या नहीं। अच्छा, एक छोटी सी बात बीच में रह गई थी, मैंने जो बार बार 10% रेट लिया है, ये 10% रेट का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप आपके पास पैसे आप इन्वेस्ट करने लगे किसी प्रोजेक्ट में, कोई नई फैक्ट्री बनाना चाह रहे हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बैंक भी ऑफर कर रहा हूँ। तो लेट्स सपोज अगर बैंक 10% रेट ऑफर कर रहा है और आपका प्रोजेक्ट भी 10% आपको रिटर्न दे रहा है, तो इतनी एफर्ट की शायद जरूरत नहीं है, आराम से सोए कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तुरंत वो भी दे रहा है। अगर नेगेटिव दे रहा है फिर तो बिल्कुल ना सोचा, नेगेटिव आंसर अगर आ गया एनपीवी का फिर तो सोचना ही नहीं। और अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है फिर शायद कोई इन्वेस्टमेंट करने का इंसेंटिव है। दीज वर्ड्स क्लियर? जीरो का मतलब क्या है? उतना ही मिल रहा है, वो फिर आपकी मर्जी है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपकी मर्जी है, मिल उतना ही रहा है। ज्यादा अगर एनपीवी पॉजिटिव अगर आ रही है तो बैंक रेट से ज्यादा मिल रहा है, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो फिर बैंक रेट से भी कम मिल रहा है। इसका मतलब फिर यह प्रोजेक्ट तब एक्सेप्ट होना चाहिए जब एनपीवी पॉजिटिव। जीरो पे आप अनडिसाइडेड है, कर ले ना करें, लेकिन नेगेटिव पे नहीं होना चाहिए प्रोजेक्ट। पॉजिटिव पे मतलब ये होगा कि प्रोजेक्ट हमें उस रिटर्न से ज्यादा दे रहा है जो रिटर्न हमें बैंक दे रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वजह से जो एफर्ट है उस पर फर्दर आपको इंसेंटिव भी मिल रहा है। तो एनपीवी के बेस पे अगर कोई प्रोजेक्ट अप्रेज हो रहा हो, प्रोजेक्ट सिलेक्शन का डिसीजन हो रहा हो, तो आप तभी प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे अगर एनपीवी पॉजिटिव हो। मीन्स अगर आपसे पूछा जाए प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें या ना, और आप एनपीवी के एंगल से वर्किंग कर रहे हैं, तो एनपीवी अगर आपकी पॉजिटिव आएगी तो फिर आप कहेंगे एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, अदरवाइज रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर आई वर्किंग शुरू द कंपनी विद द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस डेफिनेटली इसका अपना एक मीनिंग है, वो इंशाल्लाह पर डिस्कस करेंगे आगे जाके, एक टॉपिक है पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल फिलहाल मींस इंटरेस्ट रेट, या बल्कि ये वर्ड जरा लिखे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। कम से कम आप कितना चाहते हैं, ये जरा ज्यादा अच्छा वर्ड है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो हाँ, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कम से कम इतना तो होना चाहिए। जी वो हसन साहब, वो एक अलग बहस है, वो कैसे ही है, कैलकुलेशन होती हैं, वो मेरे ख्याल आगे आ जाएंगे बातें। कंपनी विद अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 10% इज कंसीडरिंग इन्वेस्टिंग इन अ प्रोजेक्ट विद द फॉलोइंग कैश फ्लोस। मैंने बिल्कुल आसान से एक वर्किंग आपके सामने की, आज लगा के 1 साल बाद, लेकिन क्या प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं? यहाँ 2 साल है, 5 साल तक भी हो सकते हैं, उससे लंबे भी हो सकते हैं। तो प्रिंसिपल वही है, हमें एनपीवी निकालनी है। अब 2 साल बाद अगर कैश फ्लोज है -2 हो जाएगा, 5 साल बाद है, तो प्रिंसिपल वही है। लेकिन अब यहाँ डेटा एक तो ईयर 0 पे दिया हुआ है 10,000, ईयर 1 पे दिया हुआ है, ईयर 2 पे दिया हुआ है। ठीक है, आपसे कहा ही जा रहा है शुड द प्रोजेक्ट बी अंडरटेकन। मेरा तो ख्याल आंसर सीधा यस है, 6,000 जमा 8,000 करें, 6,000 जमा 8,000 14,000 बनता है, और 10,000 लगाना पड़ रहा है। मेरी इस बात में क्या फ्लॉ है? कंपैरिजन ही सही नहीं है, रजिस्टर खोलना है या इर्द गिर्द का लिखना है, फिलहाल लिखना है तो बुक पे लिखना है, लेकिन इस वक्त किसी फॉर्मेट की बहस में हम नहीं है। फॉर्मेट्स कैसे बनते हैं वो इंशाल्लाह बहस होनी है, यहाँ आज हमारा मकसद ही होगा कि
इधर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। तो मीन्स उसे आप इस डाटा को उसी तरह अरेंज करना है जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने अरेंज किया था। एक सेकंड बोर्ड पे देखें, ईयर जीरो पे कितना लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं, ईयर वन में कितना मिल रहा है, टू में कितना मिल रहा है, कंपेरेबल करने के लिए क्या करूं, किस रेट पे, को रेट गिवन है, कितना रेट है, एन्यूटी लगा लूं, और यार एक से ज्यादा अमाउंट है लेकिन डिफरेंट, माइनस वन अलग करना पड़ेगा, माइनस टू अलग कर, सॉल्व करो। प्लीज राउंडिंग ऑफ, अब बहस में हमारी नहीं है, राउंडिंग ऑफ प्लीज सही कर लीजिएगा, उस चक्कर में बता दीजिएगा। 5 4 5 5 2 6 6 1 2 पॉजिटिव क्यों लिख रहा हूँ दोनों, इनफ्लोज की प्रेजेंट वेरी पॉजिटिव होगी। अच्छा ये भी हो सकता है किसी अगले साल में जाके दोबारा आउटफ्लो करना, दूसरे तीसरे साल और फर्दर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, तो अगर आप आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू लेंगे तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव होगी, आउटफ्लो की नेगेटिव प्रेजेंट वैल्यू और इनफ्लो की पॉजिटिव है, इनफ्लो आउटफ्लो, आंसर बताइए। 2067 क्या आ रहा है, हाँ जी पॉजिटिव है, एनपीवी तो ये है लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव असल बहस है, क्या ये पॉजिटिव आ रहा आंसर, क्या मतलब है इस पॉजिटिव का, प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग मोर देन 10%, पहला मीनिंग इसका ये भी है, और देन दूसरा क्या प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, ये जो बात मैंने अभी आपके सामने बोली है ये भी कहीं लिखा था, प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग मोर देन 10%। Any confusion? चले यार प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़े बन। A company is considering whether to invest in a new item of equipment costing 553,000 to make a new product. Equipment खरीद लिए, खरीदना है, क्या ये 53,000 relevant cash flow? इनफ्लो नहीं, रेडीमेंट कैश फ्लो भी है, कैश फ्लो आउटफ्लो भी है, इनफ्लो भी है, क्या ये रेलिवेंट कैश फ्लो है? अगर आप इक्विपमेंट खरीद चुके हो फिर भी ये फैसला होगा कि इक्विपमेंट खरीदूं ना खरीदूं, तो वो भी बहस फिर आने वाली है। जी सर, नेक्स्ट कहता है प्रोजेक्ट हैज अ 4 ईयर लाइफ, प्रोडक्ट हैज अ 4 ईयर लाइफ एंड एस्टिमेटेड कैश प्रॉफिट्स ओवर द 4 ईयर्स आर एज़ फॉलोस। जी सिंपल वर्किंग है, शुरू करो, ईयर जीरो पे क्या करना है, 53,000 इन है या आउट है, वो इक्विपमेंट डेबिट हो रहा है, इक्विपमेंट डेबिट ही हो रहा है, कैश आउटफ्लो, इक्विपमेंट ने आना नहीं यार, नहीं मतलब अब इक्विपमेंट लिया नहीं है, अब हम सोच रहे हैं अगर ले लेंगे तो कैश जाएगा, और अगर ले लेंगे तो फिर ये आएगा, अभी गया ना कुछ है ना कुछ आया, अगर कैश आउटफ्लो होगा तो ये आएगा, ये सारा फ्यूचर का डिसीजन, ब्रैकेट में लगाऊं या पॉजिटिव लिखूं, 53 आउटफ्लो है यार, आउटफ्लो होगा तो इनफ्लो होंगे, अब ख्वाहिश तो यही होगी कि बगैर आउटफ्लो के इनफ्लो, ख्वाहिशात को तो कोई कदर नहीं लगाई जा सकती। नहीं बेटा मौसम मेरा ख्याल है नेट आंसर सेम नहीं, जी आप फाइनल फिगर्स बता दीजिए मेरे को, फाइनल आंसर, ये ग्रिप होनी चाहिए कैलकुलेटर पे, ये जो फार्मूला यूज हो रहे हैं ये बहुत ज्यादा वर्किंग है, डिस्काउंटेड 11% दिए हुए हैं, हाँ जी 2210 समथिंग,
वैसे रियल लाइफ में अगर इन्वेस्टर्स इस चक्कर में पड़ जाए ना, जिस चक्कर में ही हो रहा है, तो बस वो इसी चक्कर में रह जाए। ठीक है, कंपनीज वाले ये है जो भी मर्जी कर लें, एनपीवी पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए, क्या अटने में बिस्मिल्ला पढ़ के इंशाल्लाह कह नहीं पढ़ना, ये फ्यूचर की वर्किंग है सर। और फ्यूचर का पता सिर्फ किसको है, सिंपली एक वर्किंग है, अगर ये हो जाएगा तो ये इंशाल्लाह ये एस्टिमेटेड फिगर है सर, ये आंसर सर फाइनल बता देना। डबल टू वन जीरो पॉजिटिव नेगेटिव, वो एक ही बात है, यही तो असल मसला है, एक बात नहीं। वैसे वाई पॉजिटिव इनफ्लो ज्यादा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो ज्यादा, एंड द प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग मोर देन 11%। अगला सर फिर ये आना है, क्या ये भी पता चलाया जा सकता है ये प्रोजेक्ट कमा कितना रहा है? यहां तक ये पहुंच गए हम कि प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग मोर देन 11%, तो फिर ये भी फाइंड आउट किया जा सकता है कि प्रोजेक्ट कमा कितने परसेंट रहा है। वो कैसे पता चलेगा? वो भी आपको पता चल गया, वो वर्ड जरूरी नहीं सकता, वो कैसे पता चल जाएगा? जिस रेट से एनपीवी जीरो है, क्या प्रोजेक्ट उतने परसेंट कमा रहा होता है? तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ यार 15% वर्किंग करें और 15% पे आपका आंसर जीरो आ जाए, तो प्रोजेक्ट का रेट वो रेट होता है जहां एनपीवी जीरो होता है। यहाँ पॉजिटिव का मीनिंग क्या है? प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग मोर देन 11%, हमने 11% वर्किंग की, आंसर पॉजिटिव आ रहा है, प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग मोर देन द रेट दैट वी हैव यूज्ड व्हिच इज 11%। ठीक है, सेकंड एग्जांपल जल्दी से खत्म करो। जी जी फाइनल आंसर नहीं, सही नहीं है, शॉर्टकट्स ना लगाए। -1, -2, -3 अलग अलग वर्किंग होनी है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट अपना आंसर फाइनल भेजे, पॉइंट 0.08 है तो याद से 8% में गेम पड़ जाती है। लेकिन इसका मतलब प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग लेस देन 8% लिखे लाइन, प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग लेस देन 8%। जी चले जा नेक्स्ट, उसके बाद बेटा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हेडिंग लिखी होगी, ये भी हम डेफिनेटली पहले पूरा टॉपिक पढ़ लें, पता हमें जरा सही सेंस समझ आ जाए, फिर आएंगे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, एक दो नंबर की भी गेम आ सकती है। नेक्स्ट हेडिंग ढूंढे आप इस वक्त, एन्यूटीज एंड परपेचुटीज। एन्यूटीज का हम शायद फाइनल को डिसीजन ले चुके हैं, एन्यूटी का फार्मूला अब प्रेजेंट वैल्यू की बहस हो रही है यहाँ से, एन्यूटी का फॉर्मूला बता दो, 1 - 1+ IR पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव एंड
डिवाइड बाय आर। एक बार दोबारा फॉर्मूला लिखा, अब ये एन्यूटी जो है मंथली इंस्टॉलमेंट्स की शक्ल में भी हो सकती है, क्वार्टर सेमी एनुअल एंड एनुअल एज वेल, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली फिर एडजस्टमेंट कर लेंगे इसमें, मेरा ख्याल फर्दर नीचे एग्जांपल देखना, उसने एन्यूटी की एग्जांपल नहीं है। 30,000 ईच ईयर, 20,000 ईच ईयर, 500 ईच मंथ, ये 30,000 ईच ईयर पहला लिखा, बताइए कितने साल है, हर साल क्या होगा। 20,000 ईच ईयर फॉर ईयर 3 to 10, नहीं नहीं गिनेंगे तो 7 हैं, गिनेंगे तो 8 है। धोखा खा रहे हैं सर। 500 ईच मंथ फॉर मंथ 1 to 24, ये कितने, इसमें कोई धोखा नहीं है 24, लेकिन यहाँ मीनिंग क्या है इसका, हर महीने 500 24 महीने 2 साल, ठीक है। अच्छा एक चीज थोड़ी सी और, अगर ये ना बताया हो कि बिगिनिंग या एंड, तो बाय डिफॉल्ट एरियर सर ये लिख लेंगे, इफ नो इंफॉर्मेशन ऑफ एरियर और एडवांस, देन अज्यूम कैश फ्लोज आर इन एरियर्स। जी ऑर्डिनरी यूनिटी में रखा, लेकिन इन वर्ड्स की वैसे जरूरत नहीं है अनलेस आप कंपाउंडिंग कर रहे हैं, ये डिस्काउंटिंग की बहस हो रही है, तो इसमें फार्मूला अलग अलग ठीक है, मेरे ख्याल ऑर्डिनरी होता है। बाय डिफॉल्ट वी अज्यूम के एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, अनलेस वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। चलिए आगे चलते हैं, हम छोटी छोटी वर्किंग्स करते हैं, कुछ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, ये तो हम साथ साथ बातें कर रहे हैं। आप एक एग्जांपल ढूंढें, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 50,000 पर ईयर एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 3 इयर्स। बस अब यहाँ से ऑनवर्ड्स कुछ एन्यूटी आएगी, बताएं किस फार्मूले से वर्किंग करना है। डिस्काउंट रेट 9% है, प्रेजेंट वैल्यू बतानी है आपको, 50,000 पर ईयर है कितने साल, एन्यूटी लग जाएगा कैसे, नहीं कैसे लग जाएगा, 50,000 उठाएंगे, 1 + 1 - 1 + 9% को कैसे लिखेंगे, -3। ये जरा अभी इस वक्त जो वर्किंग कर रहे हैं, ये जरा अपने आप को यूज टू कर रहे हैं स्टोरी से जो हमारा इंतजार कर रही है, आंसर आ जाएंगे 1 to 6 5 6 4 5। नेक्स्ट बॉक्स में एक एग्जांपल खुद से पढ़ें, सॉल्व करें। जी अब उसको थोड़ा सा शायद एक एन्यूटी टेबल भी होता है शायद, अब तो मेरे ख्याल ऑब्सोलीट सॉर्ट ऑफ हो गया, कैलकुलेटर का ऑप्शन है, उसने राउंड ऑफ करके आंसर निकाला। अब अपना बताएं जो आ रहा है, 2333 7 9, 21 रुपए का फर्क आ रहा है, 21 रुपए का फर्क आ रहा है। जी सर प्रैक्टिस क्वेश्चन में आ रहा है जी, ठीक है जी, प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 करें, मैं पढ़ दूंगा आप बताइएगा फिर कैसे करना है। कंपनी इज कंसिडरिंग, इकट्ठे हो जाए प्लीज, वेदर टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट विच वुड इन्वॉल्व द परचेज ऑफ मशीनरी विद अ यूज विद अ लाइफ ऑफ 5 इयर्स। मशीनरी वुड कॉस्ट मतलब इस तरह के वर्ड जबाने हैज कॉस्टेड, वुड कॉस्ट 5,56,000 एंड वुड हैव अ नेट डिस्पोजल वैल्यू 56,000 एट द एंड ऑफ ईयर 5। ये 56,000 इनफ्लो
भाई 56,000 आउटफ्लो होगा और वो 56,000 पांच साल बाद इनफ्लो होगा, हर साल होगा, पांचवें साल के एंड पे होगा। प्रोजेक्ट वुड अर्न एनुअल कैश फ्लोज, और यहाँ जो एनुअल कैश फ्लोज उसने आपको बताई वो रिसीट्स में से पेमेंट्स नेट करके बताई, 2 लाख क्या है कि इनफ्लो है, ठीक है इनफ्लो। द प्रोजेक्ट वुड अर्न एनुअल, क्या ये एनुअल है, कितने साल, क्या इस 2 लाख पे एन्युटी लग जाएगी, करें वर्किंग। आज इन्वेस्टमेंट कितनी, एक सेकंड ये डेटा तरह एक मिनट अरेंज करवाएं, पहले बाद में आप लिखिएगा, पहले अरेंजमेंट करवाएं। ये जीरो पे, ये नॉट कहते हैं, जीरो कहते हैं नॉट, मैं अगर जीरो कह दूं तो मैं नॉट ही कह रहा हूँ, आप मुझे जीरो समझा। 5,56,000 आउटफ्लो इनफ्लो, ईयर 1 से लेके ईयर 5 तक इग्नोरिंग डिस्पोजल वैल्यू एनुअल कैश फ्लोज कितनी है, 2 लाख पर एनम है, क्या इनकी प्रेजेंट वैल्यू इकट्ठी आ जाएगी एन्युटी लगा के, लेकिन ईयर 5 के एंड पे एक 56,000 की इनफ्लो की अमाउंट अलग है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपको अलग से डिस्काउंटिंग करनी है। इस तरह कर ले, बार बार 20-20 लिखने की बजाय ईयर 1 से ईयर 5 तक ये कितनी अमाउंट्स बनेंगी, नहीं 5 ही बनेगी, नहीं 1, 2, 3, 4, 5 गिनेंगे भी तो 5 बनेंगे, नहीं भी गिनेंगे तो ये तो 5 ही बनेगी। हाँ वो एक अलग है, इन 5 के अलावा एक अलग ईयर 5 के एंड पे है जिसके लिए हमें अलग डिस्काउंटिंग का फार्मूला लगाना पड़ेगा। हाँ जी कंप्लीट कर लो, मुझे फाइनल आंसर बताइएगा, आपने मुझे एनपीवी भी बताना था। हाँ एक मिनट, थोड़ा सा मेरी सजेशन लिख लें, अगर लिख लिया फिर ठीक है, अगर नहीं लिखा तो लिख के करें। रेट 15% है, हाँ जी कर लें कंप्लीट कर। फिगर सही नहीं सॉल्व हो रही, 1422273 समथिंग आएगा। अब लोग शॉर्टकट्स लगा रहे हैं, जल्दी कर दूं मैं, ये हो रहा है, लिख के करेंगे तो हो जाएगा, मैं कैलकुलेटर पे सब कुछ करूंगा, हो तो नहीं रहा लेकिन करूंगा उसी पे। वन फोर्टी टू समथिंग आएगा, प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स फाइनल करा कर रखेंगे, 1422273 पॉजिटिव नेगेटिव की गेम है, पॉजिटिव क्या एनपीवी, प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग मोर देन 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे होमवर्क लिखें, नहीं अच्छा सॉरी नंबर 2 में जरा रेट लिख लें, एक रेट इसमें मिसिंग है, एक आखिरी लाइन जरा ऐड कर लें, रेट फॉर एग्जांपल 10%, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो होमवर्क दे ना इसका रेट मिसिंग है, रेट इज 10% एंड में लिखो। चला गया 10-15 मिनट और पढ़ना है यार, क्या करना कर जाके मैच का इंतजार कर लेना, जी सर जी। नेक्स्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, कंसंट्रेशन गैप एन्यूटीज एंड एन्यूटीज दैट स्टार्ट आफ्टर T1। अब T1 मींस ईयर 1, T0 बाय नहीं मतलब T1 ईयर 0 मतलब वही इंटरचेंजेबली है, टाइम 1 टाइम 0 ईयर 1 ईयर 0,
जी सर, इसकी एक एग्जांपल देखें, इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो गई हैं। गैप एन्यूटी एग्जांपल, ऊपर वाली तीन लाइंस रोड के पढ़, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज ऑफ 60,000 ईच ईयर फॉर ईयर 1, 2 and 3 एंड 5, 6 and 7। If the cost of capital means required rate of return is 10%, क्या ये एन्यूटी है? एक से ज्यादा अमाउंट है सर, क्या सेम है? क्या इंटरवल सेम है? बीच में गेम आ रही, बीच में गेम आ रही, गैप आ रही। क्या गैप आया बोर्ड पे जरा देखना, पहले मैं अरेंज करूंगा, फिर आपने जैसे लिखना है, स्पेस है नहीं है वो देख लीजिएगा कैसे लिखना है। बोर्ड पे देखा, ये जीरो पे खड़े हैं, ईयर 1 पे 2 पे 3 पे 60,000 ईच है। ये मुझे कैसे पता एट द एंड ऑफ द ईयर? नहीं, मेरा ख्याल लिखा नहीं हुआ, अजीम हमेशा ये हो 60,000 ईच ईयर है। इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, वी अज्यूम एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड सो ऑन। ईयर 4 में कितना है? ईयर 4 में कुछ नहीं है। ईयर 5 में, 6 में, 7 में, दोबारा 60-60 है। 5 to 7, 1 to 3 एंड 5 to 7, कौन से साल का गैप है? 4 का गैप है। प्रॉब्लम क्या है? अब बीच में गैप आने की वजह से सबका इंटरवल सेम नहीं, तो देयरफॉर अब हम 60,000 इकट्ठा 6 इंस्टॉलमेंट नहीं कर सकते। लेकिन क्या इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? एन्यूटी लगा सकते हैं? कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होगी थोड़ी सी। मैं अगर 60,000 लूं, 1 माइनस रेट है 10%, 1 plus 0.1 minus 1 minus 1 ये 3 इंस्टॉलमेंट्स डिवाइड बाय 0.1, तो मेरे पास एक आंसर आ जाएगा। बताइएगा, ये पहले क्वांटिटी सॉल्व कीजिएगा। जी बिल्कुल ठीक है भाई ने सही याद करवाया। जो हजरात FA2 से यहाँ तक पहुंचे हैं, ये आपके लिए नई चीज है, 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 ज्यादा है। आंसर बताइएगा, 142,221। देख लीजिए आंसर, ये पहली तीन इंस्टॉलमेंट्स की अभी प्रेजेंट वैल्यू आई है, ये आज की वैल्यू आ गई है। ये फुल कंसंट्रेट करना सर जी, ना करें। ये पहली जो कैश फ्लो की अमाउंट थी, ये थी ईयर 1 के एंड पे। ईयर 1 मींस ईयर 1 का एंड, ईयर 1 मींस ईयर 1 का एंड, ईयर 2 मींस, 3 मींस। मैंने तीनों की इकट्ठी प्रेजेंट वैल्यू ली है। आंसर कब आया? ईयर 1 के स्टार्ट पे, मींस आज। ईयर 1 का स्टार्ट मींस ईयर 0, मींस आज। सीधा करूं? नहीं, मैंने वैसे ही कर लूंगी, मैंने हो गया सीधा। देन उसके बाद ये जो तीन है, क्या इनकी प्रेजेंट वैल्यू भी मैं -3 करके ले सकता हूँ? यस सर, इनिशियली ले सकता हूँ, इनिशियली, 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 तीनों की इकट्ठी में ले सकता हूँ इनिशियली, है लेकिन इंशाल्लाह उसके बाद आपके जहन में आ जाएगा ये आंसर एज इट इज। फिर वही इसलिए आ जाएगा, तीन है ये भी। लेकिन अभी इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, ये जो इस वक्त मेरा आंसर आया है, ये किस ईयर के स्टार्ट पे आया? 5 के स्टार्ट पे। ऊपर आया था, अगर कैश फ्लोज मेरी ईयर 1, 2, 3 थी, तो मेरा जो आंसर आया वो ईयर 1 के स्टार्ट पे आया। अब मैंने 5, 6 और 7 को कंसिडर किया, तो दिस आंसर इज एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 5, विच मींस एट द एंड ऑफ ईयर 4। दिस आंसर इज
एट द बिगिनिंग ऑफ, पहले इस तरह करने जरा एक आध दफा, फिर इंशाल्लाह बाद में यूज्ड हो जाएंगे. इज एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर फाइव विच मीन्स एंड ऑफ ईयर फोर, एंड ऑफ ईयर फोर. मुझे सर क्लोजिंग ओपनिंग ओपनिंग क्लोजिंग फिफ्थ ईयर के स्टार्ट पे मीन्स एंड ऑफ ईयर फोर. डन है. अब जब इसे दीजिए ना कंपाउंड जाएंगे तो एक काम और करना है, बताएं क्या करना है. अब इसे ईयर फोर के एंड से उठा के ईयर जीरो पे लाना है, फिर एनुइटी यूज हो जाएगा. क्या अब एक ही अमाउंट उठा के चार साल पीछे लानी है? कौन सी वो अमाउंट है? अब क्योंकि एक ही अमाउंट है तो इसकी अब डिस्काउंटिंग फॉर्मूला लगेगा. प्लस पॉइंट वन माइनस क्या चार चार साल पीछे. आंसर फाइनल बता. 109 101 913. हमारा फाइनल आंसर आ गया 101 913. ये आखिरी तीन इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू आ गई. पहली तीन इंस्टॉलमेंट्स की हमने एवरेज फाइंड आउट कर ली थी, इन दोनों को फाइंड प्लस करें आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. सॉरी 2511 24. ये स्टूडेंट्स को समझ आई बात? अब ये नोट करना है अपने बंदे की जगह. नहीं, इसके नीचे कौन एग्जांपल तो नहीं लिखी. अब स्पेस जरा थोड़ी क्रिएट कीजिए, इसके नीचे फिर एग्जांपल है तो कहीं फिर उसका भी आंसर लिखना तो फ्रेंडली. ठीक है, इधर लिख लें जी. ठीक है सर, ये आई हुई थी बात जी. जी वो आपकी मर्जी, वो डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल दें, वो बहुत कुछ कर सकते हैं. जी सही कह रहे हैं जी आप, एक दफा ये लीज में बहस हुई भी है. नहीं बेटा, ये फिगर जो आई थी ये क्लियर हो गया कि ये जो इनिशियली आंसर आया था 5 6 7 इंस्टॉलमेंट्स वाला, ये फोर्थ ईयर के फाइनली एंड पे फिगर आई है. नहीं आप लोग करें, मैं क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ. तो देन वो जो फोर्थ ईयर के एंड पे फिगर आई है, प्रेजेंट वैल्यू का मीनिंग तो आज होता है ना, तो उसको फिर हमने फोर्थ ईयर के एंड से ईयर जीरो मींस आज लेके आना ताकि उसकी कंप्लीट प्रेजेंट वैल्यू आ जाए. ये तो अभी फोर्थ ईयर के एंड पे फिगर आई है, तो फोर्थ ईयर के एंड पे जो फिगर है उसे आज में कन्वर्ट करने के लिए फिर हमने एक दफा डिस्काउंटिंग की है. तो इस अमाउंट की फिर एक दफा डिस्काउंटिंग करके फिर फाइनल प्रेजेंट वैल्यू आई है. और जो इनिशियली पहली तीन इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू थी उसमें फिर इन दोनों फिगर्स को प्लस करके ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू आई है. ठीक है, फिर अगर गैप बीच में आ जाए तो एक्सेप्टेबल वेज और भी हैं, लेकिन मेरा ख्याल शायद ये पहले भी डिस्कस इस तरह से हुआ था. ये भी होता है कि बीच में से एन्युटी फैक्टर माइनस कर दें, लेकिन वो मेरे ख्याल में ज़रा ज़्यादा मुझे महसूस होता है शायद कॉम्प्लेक्स. अगर समझ आ गया तो ठीक है जी. इसके नीचे एक और एग्जांपल है जी, इंडिविजुअली करेंगे ज़रा. ये नोट कर ली, जो कर रहे हैं कर लो. अब गैप है बस, एन्युटी तो है लेकिन बीच में गैप है एन्युटी की, बीच में कोई साल मिसिंग है, सही कई साल हो सकता है नीचे मिसिंग, तो गैप एन्युटी. एक मिनट, जो लोग नोट कर लें फिर इकट्ठे पढ़ लें आप लोग. अब पढ़ के जरा मुझे बता दें, समझा दें ये सेंटेंस है क्या. ऑनलाइन स्टूडेंट्स की तरफ से वेट कर रहा हूँ, ये कंप्लीट हो गए जो लिखा हुआ.
ये बता दो, ये लो सामने लिखा। जी सर जी, प्रेजेंट वैल्यू अपनी लेनी 1 लाख की, फ्रॉम द एंड ऑफ कहाँ से शुरू रही गेम, ईयर 4 से लेके ईयर 15 तक। तो पहले क्या करेंगे आप, अब पहले तीन नहीं है, पहले तीन गायब है, ईयर 1 2 3 गायब है, ईयर 4 से ये शुरू होना है काम। तो ये हैं कितने, 12 है, नहीं गिरेंगे 11 है वरना 12 है, 4 से 15 तक। ऑनलाइन स्टूडेंट्स करें जी फाइनल, ये कितनी अमाउंट्स बनेंगी, 12 एन्यूटी लग जाएगा 12 पे। गिली है प्लीज, 4 भी है ना बीच में, 4 से 15 तक, तो 12 पे एन्यूटी लगा लेंगे। फिर आंसर मिस्टर तैयब किस ईयर के स्टार्ट पे आएगा, इस ना करें कंसंट्रेट करें। सीधी बात है, जिस ईयर के एंड से आप शुरू कर रहे हैं उस ईयर के स्टार्ट पे आंसर आना, आंसर विल बी एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 4 विच मीन्स एंड ऑफ ईयर 3। तो एकदम जंप ना लगाएं, मेरा ख्याल एक दो दफा और लिख रहे हैं, डेफिनेटली हमने पहुंचे एंड पे ही है लेकिन बिगिनिंग से एंड शायद इजी है। दिस आंसर विल बी एट द एट द एट द एट द एट द एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 4 विच मीन्स, तो 1 लाख है इनिशियली एन्यूटी लग जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 0.12 माइनस 12 डन, रेट भी 12% है। आंसर जो भी आएगा, इस तरह भी कर सकता हूँ, तो जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाइड बाय, सॉल्व भी किया जा सकता है, 1 प्लस 0.12 माइनस 4 ईयर 4 के स्टार्ट पे मींस ईयर 3 के एंड पे। तो जो भी आंसर आएगा उसे फिर आपने 3 साल और पीछे लेके जाना, तो अपन ये सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर ले या सीधा ही शायद आंसर 4 4 0 9 0 4 3 3 है 3 है तो 3। एनी कंफ्यूजन जी बारा, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स फाइनल है 3 से। मेरी सजेशन ये है कि एक दफा ये जो भी आंसर आपका आया था ये माइनस 3 करने से पहले एक दफा लिख लें, दिस आंसर इज एट द बिगिनिंग ऑफ, एक दफा और लिख लें कम से कम। पेमेंट्स तो 11 है फान बेटा, जाने दे गुस्सा यार, काउंट करके देख ले, ईयर 4 4 का एंड 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, अफान गिन रहा है ना, इसे मैं चुप कर गया। अफान साहब गिन ले यार, खुदा के लिए ना करिए। अच्छा अफान प्लीज, 11 नहीं बेटा, काउंट करोगे 12 है, इस चक्कर में तना बसाओ यार, हो गया काउंट प्लीज मिस्टर अफान, 4 से 15 तक बेटा, 4 भी तो काउंट हो गया। दिस आंसर इज एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 4 विच मीन्स एट द एंड ऑफ ईयर 3। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, देख लें बस उसके बाद फिर अल्लाह हाफिज़। मेरा ख्याल आप लोग होमवर्क लेना चाह रहे होंगे, नहीं देख लेना, कोई मतलब कोई नई बात तो नहीं बीच में। एनपीवी सर, व्हाट इज द एनपीवी ऑफ द फॉलोइंग कैश फ्लोस व्हेन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%। कंसंट्रेशन जरा, मुझे सिर्फ इन फिगर्स का मीनिंग बता दें, ईयर 0 पर आउटफ्लो, 1 डिस्काउंटिंग लगेगा, डिस्काउंटिंग 2 पे भी डिस्काउंटिंग माइनस 2 करके, कंसंट्रेट, एन्यूटी लगेगा 13 पे माइनस 13 हो गए 3 से 15। आंसर विल बी बिगिनिंग ऑफ ईयर 3, फिर माइनस 2 करके वापस लाना पड़ेगा, गैप एन्यूटी है ये, कैसे करेंगे रिपीट करें, माइनस गुणले गिनले गिनले नहीं गिनले, 12 बनता है 13 बनता है, माइनस 18 करके प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, आंसर विल बी एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 विच मींस एंड ऑफ ईयर 2, माइनस 2 करके फिर फाइनल आंसर आएगा, हो जाएगा।
सेकंड क्वेश्चन जॉनल स्टूडेंट्स फाइनल है, अपना डिसीजन ले जरा फिगर्स के साथ। माइनस वन करेंगे 15,000 को, टू टू फोर है कितनी है ये, टू थ्री फोर माइनस थ्री करेंगे, आंसर विल बी एट द बिगनिंग ऑफ ईयर टू मींस माइनस वन करके फाइनल करेंगे। आगे फाइव टू टेन में कितने फिगर आ रही है, सिक्स फाइनल करें अपने बोल ने मुझे बताएगा फिर। फाइव टू टेन सिक्स बनेगी, माइनस सिक्स करके पहले प्रेजेंट वैल्यू आएगी और फिर दैट प्रेजेंट वैल्यू विल बी एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर फाइव विच मींस एंड ऑफ ईयर फोर, माइनस फोर करके आंसर आपका है। होमवर्क रखने होते एनपीवी निकालना नहीं हो गए भाई, घर से कर लें उसका मतलब चंद मिनट लगने तो इंशाल्लाह जैसे जैसे बारिश होनी है आपने साथ साथ सवाल करना। वैसे किसी जमाने में कुछ मैं भी हद से ज्यादा, आप तो पता नहीं उस हद तक होंगे कि नहीं, मैं भी हद से ज्यादा इन चीजों का एडिक्टेड था, क्रिकेट का खास तौर पे। उसका एक तरीका लेकिन ये भी होता है कि आप उसके दौरान भी, मैं तो टेस्ट मैचेस के भी पूरे से पहले गेंद से आगे तक देखता था, लेकिन मैचेस के दौरान भी पढ़ाई हो सकती है काउंटिंग की। आवाज बंद रखें बस, आवाज बंद रखें, जो हो रहा होता पता फिर भी चल जाता, लेकिन सवाल भी हो जाएंगे, लेकिन आवाज खोल के अपने आप को तंग ना कीजिएगा और ये ना सोचेगा मेरे से सवाल क्यों नहीं हो रहा, और ये नहीं कह रहा कानों में लगा ले, आवाज बंद हो मैच देखा जा सकता है। लेकिन इंशाल्लाह वैसे तो आप वेले ही होंगे इसलिए उस टाइम को वेस्ट करने की बजाय सवाल कीजिए। यहां तक रिवाइज होना चाहिए, गेम मंडे से शुरू है, बजटिंग का दे दो मैं सवाल, चलो यही कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।